नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी अमक्का समाचार की शुरू में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले हैं। तेजस्वी यादव की पत्नी को अब मिलने के लिए तमाम विधायक और एमपी एमएलए समेत देश के तमाम विभिन्न हिस्सों से जी अभी नेता और नेता पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आज जी हाँ रेसल्स ने गाय को जी हाँ चारा खिलाया और मीठा खिलाते हुए तस्वीरें सामने आई। राबड़ी आवास की तस्वीरें सामने आई जिसे आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किन नेताओं ने आभूषण गिफ्ट किया और इस महंगे आभूषण को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब आभूषण गिफ्ट करने की भी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद में तेजस्वी यादव ने अब पूरी तरीके से बिहार के गरीब और तमाम लोगों को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। किस तरीके से क्या कुछ कहा गया आपको विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के भाजपा और जेडीयू आमने सामने आ गई है। जेडीयू ने कहा कि अगर आर्थिक रूप से बिहार एक कमजोर राज्य है तो इस राज्य को पूरी तरीके से विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 16 सालों में हमने नहीं पाया कि विशेष राज्य का दर्जा के लायक भारतीय आपको की बिहार है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बिहार के दो अभिनेता खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में छिड़ा विवाद। विवाद का मुख्य कारण बताया गया खेसारी लाल यादव के बारे में पवन सिंह ने स्टेज पर चढ़ उन्हें बुरा भला बोला, जिसके बाद में आज पवन सिंह के बारे में खेसारी लाल यादव भी बुरा भला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आपको भगवान ने सिर्फ एक गला दिया है, उसके अलावा मिला ही क्या। बॉडी पर्सनैलिटी और हीरो की तरह सिर्फ और सिर्फ मैं दिखता हूँ। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बिहार में क्राइम की तस्वीरें सामने आए दिन आ रही है। अब इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि बिहार के कई जिलों में मुखिया और मुखिया के प्रत्याशी रहे लोगों पर गोलियों की चलाने की तस्वीरें सामने आ रही है। और इसी दौरान एक तस्वीरें बिहार के सिवान जिले से आई जहाँ 24 घंटे के अंदर 2 हत्याएं गोली मार कर दी गई। पुलिस अभी देखो आर्यन खान अब किसी भी शुक्रवार को नहीं जाएंगे कोर्ट। दरअसल एनसीबी मामले में और ड्रग्स केस मामले में हर एक शुक्रवार को आर्यन खान को कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें इस तमाम बंधनों से छुटकारा मिल गया। बताया गया कि जब भी आर्यन खान कोर्ट पहुंचते हैं तो भीड़ लग जाती है और इस कारण से उन्हें इससे मुक्त किया गया। हालांकि जब भी मामले की जाँच होगी तो दिल्ली आर्यन खान को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी को लेकर के लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन इस दौरान सुपरस्टार पर लगे आरोपों के बाद में लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है। खेसारी लाल यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार के अभिनेता पवन सिंह शराब पीकर बिहार की राजधानी पटना में स्टेज शो कर रहे थे। इस दौरान अब अभिनेता पर कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि ऐसे मामले सामने आने के बाद में कार्रवाई का रुख बना लिया गया है। सोनिया गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आज जिस तरीके से कृषि कानून लाया गया, इन तमाम चीजों को लाया गया, इस पर सरकार चर्चाएं करना नहीं चाहती, लेकिन हम कई मामले हैं जिस पर चर्चा करना चाहते हैं। विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार, लेकिन सदन में नहीं हो रही विपक्ष की चर्चा की तैयार, जिसको लेकर विपक्ष ने आज किया हमला। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने आज लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि अब ओमिक्रॉन के 64 मामले भारत में पाए गए हैं और साथ ही साथ आज 6,000 मामले कोरोना के पाए गए, जिसके बाद में कोरोना के मामले कम तो मिल रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले 64 हो जाने के बाद में यह मामले बढ़ने के अंदेशे भी बता रहे हैं। दूसरे वेव आने के संकेत भी बता रहे हैं। यह बेहद बड़ी खबर है। चुनाव से पहले आईएएस अफसरों के तबादले की तैयारी कर रही योगी सरकार ने आज 6 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया, जिसके बाद में आईएएस अफसरों के तबादला किए जाने के बाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी राहत का श्वास ली है। हालांकि आपको बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कई ऐसी चीजों को देखा गया है, जब भी किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन्हें हटाया गया, लेकिन अब तबादले की तस्वीरें आई।
चार में से तीन दिन बैंक कब रहेंगे बंद, दो दिन आंदोलन करेंगे सादिशाह। आपको बता दें कि अब बैंकों के बंद रहने की तस्वीरें सामने आएंगी। दरअसल चार दिनों में से तीन दिन बैंक जो है वो बंद रहेंगे। जिस बैंक के बंद रहने की अब तस्वीरें सामने आएंगी, लोगों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि बैंकों की बंद रहने की तस्वीरें सामने आएगी। शुक्रवार, शनिवार और रविवार बैंक बंद रहेंगे। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त। दरअसल अब अमेरिका लगातार चीन से हाथों हाथ करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस वक्त चीन जो है वो बायोलॉजिकल और साथ ही साथ केमिकल हथियारों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तैयारियां कर रहा है, जिससे विदेश के तमाम और समेत पूरे विश्व पर खतरा मंडराने लगा है। चीन की इस तैयारी के बाद में पूरे विश्व पर खतरा का तैयारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 40 साल बाद, जी आपको बता दें कि 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री कुवैत जाने वाले हैं और कुवैत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, इसकी तस्वीरें सामने आ रही है। कुवैत जाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कुवैत में किस तरीके से कंपनियों को भारत लाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में पॉल्यूशन के बढ़ते मामलों ने लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है, और यही मामले पॉल्यूशन के बढ़ते रहे तो यह दिन दूर नहीं जो ऑक्सीजन के थैलियों को लेकर के भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों को चलना पड़ेगा। बिहार की राजधानी पटना, दिल्ली जो देश की राजधानी है, समेत कई विभिन्न हिस्सों में पॉल्यूशन के मामले बढ़े, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए भी नजर आई है। बड़ी खबर, बिहार के नेता जाप प्रमुख पप्पू यादव ने नए साल के लोगों की बधाई दी, और साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए भी नहीं चुके। उन्होंने विपक्ष पर और पक्ष पर भी लगातार जमकर हमला बोला, कहा कि किसी का भी दिल लगता है आज नहीं तो कल अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो वह मुख्यमंत्री से हटना भी तय है। इस बार देखिए ना, मुखिया के चुनाव में लगभग बहुत कम प्रतिशत लोग पुराने बने, नहीं तो नए बने। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से एक नया बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 400 सीटों पर विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को कंप्लीट कर रही है, जिसके साथ ही 400 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है, और आपको बता दें अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ सकती है। RLD की जितना आम आदमी पार्टी सीट चाहती थी। देश का GDP एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। नवंबर के महीनों के साथ साथ दिसंबर महीनों में भी GDP का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरने का लोगों को अनुमान मिला। हालांकि देश की आर्थिक व्यवस्था 2019 से जिस तरीके से डाउन हुई है, इसमें पहली बार इजाफा देखा जा रहा है, देश की GDP में इजाफा। देश के होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में चुनाव आयोग की सबसे बड़ी मूल भूमिका हो सकती है। चुनाव आयोग बहुत जल्द आपको बता दें उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत उत्तराखंड के चुनाव पर अपनी डेट और तारीखों को कर सकता है ऐलान। पंजाब के दौरे पर चुनाव आयोग, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का भी किया जा सकता है दौरा। बड़ी खबर, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर से महानगरों में रेटों को इजाफा कर दिया है, जबकि आपको बता दें कि मेट्रो सिटी में, मुंबई की बात करें, अब बेंगलुरु की बात करें, दिल्ली की बात करें, इन तमाम हिस्सों में जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ी, यह आम आदमी की तस्वीरें चिंताजनक स्थिति में डालने लगी है, जिसके साथ ही लोगों ने सरकार से अपील किया कि पेट्रोल और डीजल के रेटों को कम किया जाए। बड़ी खबर, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से ही मिलता है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सोशल साइट्स पर जमा कर शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबा करके। राबड़ी देवी ने आरती उतार कर अपनी बहुरानी का स्वागत किया, राबड़ी आवास में प्रवेश कराया, लेकिन आज जी आपको रेचल्स का एक तस्वीर
तस्वीर सामने आया जब वो अपने पति तेजस्वी यादव के साथ राबड़ी आवास में टहल रहे थे और उस वक्त उन्होंने गाय को, जी हाँ पुराने की गाय को उन्होंने गुड़ खिलाया और चारा डालती हुई नजर आई। हालांकि रेचल प्यार की तस्वीरों ने लोगों को लुभा कर रख दिया, राबड़ी संग भी यह तस्वीरों ने लोगों को लुभा कर रख दिया और तेजस्वी यादव की जो शादी समारोह की तमाम तस्वीरें थी वो जमकर वायरल हुई। अब तेजस्वी यादव एक युवाओं के रूप में आइडल बन चुके हैं क्योंकि तेजस्वी यादव की जिस तरीके से शादी हुई, इस शादी को लेकर के अब खुदा ने कि सभी युवाओं के बीच में कुछ ऐसा संदेश गया, जाति धर्म से उठ करके व्यक्ति और मानवता का आपको समझौता करना चाहिए, ना कि जाति धर्म के नाम पर आपको राजनीति करनी चाहिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव और रेचल के शादी किए जाने के बाद में आभूषणों की जमकर आभूषण जो है वो लोगों को गिफ्ट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने तमाम लोगों को आभूषण गिफ्ट आपको बता दें कि गिफ्ट करते हुए देखे, जहां पर एक MLC ने 9 लाख हार जो है वो दी और समेत कई अभिनेता और नेता जो है वो तेजस्वी यादव की शादी के बाद में उनसे मिलने और उनकी पत्नी को शादी की हार्दिक बधाइयां देने, जीवन साथी अच्छे चले इसकी बधाइयां देने पहुंचे। बिहार में क्राइम रिपोर्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब नया मामला बिहार के पटना जिले से आया जहां मुखिया पर ही गोली चलाने की तस्वीरें सामने आई, लेकिन मुखिया नए नवेले बने जिसके साथ ही मुखिया पर गोली चली और उसके बाद में मामला सिवान जिले से आया जहां सिवान जिले में 24 घंटे के भीतर दो व्यक्तियों की गोली मार हत्या कर दी गई। दोनों व्यक्तियों की गोली मार हत्या किए जाने के बाद में अपराधी फरार हो गए हैं। अपराधियों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और अभी तक अपराधी जब पुलिस के गिरफ्त से बाहर है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार के सुशासन की सरकार में क्राइम रिपोर्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्राइम रिपोर्ट लगातार बढ़ने के मामले सामने आने के बाद में अब लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी है। हालांकि जिस तरीके से क्राइम रिपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, इस मामले की अनदेखी नहीं की जा सकती क्योंकि सुशासन सरकार में आए दिन गोलियां और साथ ही साथ बात बात पर पिस्टल निकलना लाजमी हो गया है। सुशासन की सरकार में इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो सरकार बहुत जल्द बदनामी क्यों जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनावों के साथ साथ अब विदेशी दौरे पर भी जाएंगे। कुवैत विदेशी दौरा जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कुवैत के दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री दौरे करने जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 40 साल बाद कुवैत का दौरा करेंगे उस वक्त विदेशी नीतियां और समेत देश की सुरक्षा की बात भी की जाएगी। साथ ही साथ देश की सुरक्षा के साथ साथ बड़ी कंपनियों के CEO से यानी फाउंडेशन से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उन्हें उन कंपनियों को बिहार के अंदर प्रवेश करने की आपको बता दें तस्वीरें समेत देश के अंदर शामिल करने की जो तस्वीरें हैं वो शामिल हो सकती है। तो यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरीके से विदेशी यात्रा को लेकर सक्रिय रहते हैं और विदेशी कंपनियों को भारत में इन्वाइट करते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में बढ़ सके। ये बेहद बड़ी खबर निकल कर आई। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर काफी सक्रिय है। अब लखीमपुर खीरी वाले मामले को लेकर के एक बड़ा बयान सामने आया। लखीमपुर खीरी वाले मामले में कहा गया कि अभी तक लखीमपुर खीरी वाले मामले में जी हाँ आपको बता दें कि कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि जो मंत्री हैं वो ब्राह्मण जाति से आते हैं और ब्राह्मण जाति के वोटों पर कोई बड़ा असर ना पड़े इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की गई। जिसके साथ ही आपको बता दें कि जौनपुर अखिलेश यादव पहुंचे थे और वहां से भी अखिलेश यादव ने हमला किया था, जबकि जय मिश्रा पर चुनावी आपको बता दें रणनीतियों के तहत कार्रवाई नहीं करने की बात सामने आ रही है। बताया जाता है कि जय मिश्रा जी आपको बता दें अजय मिश्रा की गिरफ्तारी या अजय मिश्रा से इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव पर इम्पैक्ट और प्रभाव पड़ेगा, अगर ऐसा ना पड़े इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। आज के लिए इतना इंफॉर्मेशन, बनेगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार से बोले भारत माता की जय।